هاكر هاكر. सो हेलो गाइस, का आपके फ्री फायर गेम के अंदर हेडशॉट वगैरह नहीं लग पाते? यानी गाइस, आप जब भी फ्री फायर गेम के अंदर हेडशॉट मारने का ट्राई करते हो तो कभी तो जो आपका एम होता है ना वो एनिमी की बॉडी पर ही चिपक जाता है, या फिर कभी कभी जो आपका एम होता है ना वो एकदम हवा में चला जाता है, बट आपके परफेक्ट तरीके से नहीं वन टैप लग पाते हैं एंड नाइट ड्रैग हेडशॉट लग पाते हैं। तो बस ये सब इसलिए होता है बिकॉज आप अपने डिवाइस में गलत सेंसिटिविटी को रख लेते हो एंड इधर उधर से सेंसिटिविटी को कॉपी कर लेते हो। सो ऐसे वो दूसरे बंदे की सेंसिटिविटी को कॉपी करने से आपके लाइफ में कभी भी हेडशॉट नहीं लग पाएंगे। आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग ही सेंसिटिविटी को रखना पड़ेगा जिससे आपके इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पाएंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर लो एंड डिवाइस से लेके हाई एंड डिवाइस तक सभी डिवाइस के लिए बेस्ट ऑटो हेडशॉट सेंसिटिविटी की सेटिंग बताने वाला हूँ। अगर आप उस सेंसिटिविटी को अपने अपने डिवाइस में अप्लाई करोगे ना तो आपके भी 100% वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड इसके अलावा गाइस, जो हेडशॉट मारने के लिए सेंसिटिविटी के साथ साथ आपका जो फायर बटन का साइज एंड पोजीशन भी मैटर करता है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर परफेक्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन भी बताने वाला हूँ। बस अभी से मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वैसे आप जैसी सेंसिटिविटी वाली सेटिंग में आते हो ना तो यहाँ पर आपको बहुत तरीके की सेंसिटिविटी की सेटिंग देखने को मिल जाती है, जैसे जर्नल, रेड डॉट, 2x स्कोप, 4x स्कोप, स्नैपर स्कोप एंड फ्री लुक। तो वैसे यहाँ पर आप जितने भी सेंसिटिविटी वाली सेटिंग देख रहे हो ना, हर एक सेंसिटिविटी का अपना अलग अलग काम होता है एंड आपको हर एक की वैल्यू को अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग अलग अलग रखना पड़ेगा। तो आपको ध्यान से समझना है कि आपको कौन सी सेंसिटिविटी को कितना रखना है। सबसे पहले गाइस, हम बात कर लेते हैं फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस देखो, फ्री लुक और हेडशॉट का कोई भी कनेक्शन नहीं होता, आप इसकी वैल्यू को जितना चाहो उतना रख सकते हो। बट गाइस, अगर बात की जाए बेस्ट फ्री लुक सेंसिटिविटी के बारे में, तो चाहे आपके पास लो एंड डिवाइस से ही, चाहे आपके पास हाई एंड डिवाइस से ही, आपको हर एक डिवाइस में अपनी फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी को 70 यानी गाइस आपको 70 रख देना है। ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना वो लो एंड डिवाइस से लेके हाई एंड डिवाइस तक सब में अच्छे से वर्क करने वाली है। अब गाइस देखो, इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्नैपर स्कोप सेंसिटिविटी वाली सेटिंग के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना वो तब वर्क करती है जब आप किसी भी स्नाइपर गन में उसके स्कोप को इनेबल करके एनिमी के ऊपर फायर करते हो, तो वहाँ पे आपकी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। तो वैसे अगर आपका उसको भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको उसमें अपनी स्नाइपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 50 यानी गाइस आपको 50 रख देना है। बट गाइस, अगर आपका उसको भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको अपनी स्नैपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 40 यानी गाइस आपको 40 रख देना है। इसको अगर हम बात कर लेते हैं 4x स्कोप सेंसिटिविटी वाली सेटिंग के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना वो तब वर्क करती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज के गन में 4x का स्कोप लगा के एनिमी के ऊपर फायर करते हो, तो वहाँ पे आपकी 4x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। तो ऐसा अगर आपका उसको भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको उसमें अपनी 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 140 यानी गाइस आपको 140 रख देना है। बट गाइस, अगर आपका उसको भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB RAM, 8GB RAM या फिर 12GB RAM, तो आपको उसमें अपनी इस 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 120 यानी गाइस आपको 120 रख देना है। अब गाइस देखो, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 2x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना वो तब वर्क करती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज के गन में 2x का स्कोप लगा के इनिमी के ऊपर फायर करते हो। तो ऐसा अगर आपका उसको भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको उसमें अपने 2x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 120 यानी गाइस आपको 120 रख देना है। बट गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB RAM, 8GB RAM या फिर 12GB RAM, तो आपको उसमें अपनी 2x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 100 यानी गाइस आपको 100 रख देना है। इसको अगर हम बात कर लेते हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस को काफ़ी प्लेयर्स को पता ही नहीं होता कि भाई ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना वो कैसे वर्क करती है। अब गाइस देखो, ये जो रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी है ना वो तब वर्क करती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज के गन में कोई भी स्कोप नहीं लगाते हो एंड जब वहाँ पे जो 1x का डिफॉल्ट स्कोप आता है छोटा वाला, तो वहीं पे आपकी रेड डॉट सेंसिटिविटी वर्क करती है।
तो वैसे अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको उसमें अपनी रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को 130 यानी गैस आपको 130 रख लेना है। बट गैस अगर आपका उसको भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB RAM, 8GB RAM या फिर 12GB RAM, तो आपको उसमें अपनी रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को 110 यानी गैस आपको 110 रख लेना है। अब गैस को इसके बाद बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी के बारे में, जो है गैस जनरल सेंसिटिविटी। अब गैस को हेडशॉट मारने के लिए ये वाली सेंसिटिविटी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है कि आपको कौन से डिवाइस में अपनी जनरल सेंसिटिविटी को कितना रखना है। सबसे पहले गाइस हम बात कर लेते हैं लो एंड डिवाइस वालों के बारे में। तो ऐसे अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी जनरल वाली सेंसिटिविटी को 155 यानी गैस आपको 155 रख देना है। ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो लो एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट है। मेरे घर में जितने भी लो एंड डिवाइस थे, मैंने सब में इस वाली सेंसिटिविटी को ट्राई किया, उन सभी डिवाइस में इजीली 1 tap and drag 800 लग पा रहे थे। तो आपको हर एक लो एंड डिवाइस में अपनी जनरल वाली सेंसिटिविटी को 155 ही आपको रख लेना है। तो ऐसे देखो हम बात कर लेते हैं हाई एंड डिवाइस वालों के बारे में। तो ऐसे अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB RAM, 8GB RAM या फिर 12GB RAM, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी जनरल वाली सेंसिटिविटी को 130 यानी गैस आपको 130 रख लेना है। ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट है। अब गैस को मेरे घर में जितने भी हाई एंड डिवाइस थे, लाइक 6GB RAM, 8GB RAM या फिर 12GB RAM का, मैंने सभी डिवाइस में इस वाली सेंसिटिविटी को ट्राई किया था, उसमें इजीली 1 tap and drag 800 लग पा रहे थे। तो बस आपके पास कोई सा भी हाई एंड डिवाइस से ही सभी में आपको अपनी जनरल वाली सेंसिटिविटी को 130 यानी गैस आपको 130 कर लेना है। ये हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट सेंसिटिविटी है। अब गैस को ये बात रही बेस्ट O2 हेडशॉट सेंसिटिविटी के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन के बारे में। अब गाइस देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं फायर बटन के साइज के बारे में। तो गाइस देखो आप अपने फायर बटन के साइज को 10 से लेके 100 तक इंक्रीज कर सकते हो, बट आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग इंक्रीज करना है। अगर आप 100 से ज्यादा फायर बटन के साइज को बढ़ा दोगे, तब भी आपको हेडशॉट मारने में दिक्कत आ सकती है, या फिर आप 100 से ज्यादा अपने फायर बटन के साइज को कम कर देते हो, तब भी आपको हेडशॉट मारने में दिक्कत आएगी। तो आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग ही बेस्ट फायर बटन का साइज रखना है। अब गाइस देखो अगर आपके पास कोई लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको उसमें अपने फायर बटन के साइज को 50 से लेके 55 के बीच में ही रखना है। यानी गाइस आप 50 रख सकते हो, 51, 52, 53, 54 या फिर 55। यानी गाइस आपको मैक्सिमम अपने फायर बटन के साइज को 55 तक ही आपको बढ़ाना है। यानी गाइस आपको अपने लो एंड डिवाइस में फायर बटन के साइज को 50 से लेके 55 के बीच में कुछ भी रख सकते हो, ये एकदम परफेक्ट फायर बटन का साइज है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB RAM, 8GB RAM या फिर 12GB RAM, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपने फायर बटन के साइज को 45 से लेके 50 के बीच में ही आपको रखना है। यानी गाइस आप 45 रख सकते हो, 46, 47, 48, 49 या फिर 50। यानी गाइस आपको अपने हाई एंड डिवाइस में इस फायर वाले बटन का जो साइज है ना, इसको आपको 45 से लेके 50 के बीच में कुछ भी रख देना है। ये वाला जो साइज है ना, वो हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ऐसे को अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन की पोजीशन के बारे में। सुबह अगर आप गलत जगह पे या फिर गलत पोजीशन पे अपने फायर बटन को रख दोगे ना, तो वहाँ पे भी आपके 1 tap and drag 800 नहीं लग पाएंगे, आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी फायर करने में या फिर 1 tap मारने में। तो बस आपको अपने फायर बटन की जो भी पोजीशन है ना, उसको सही जगह पे रखना है। अब गाइस को बेस्ट फायर बटन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या कुछ करना है, सबसे पहली बात है आपको अपने फायर बटन को ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। अब गाइस को जहाँ से आप देखते हो ना कि कितने बंदे अलाइव हैं, ऊपर आपको एक आइकन देखने को मिलेगा जहाँ से आप बंदों को अलाइव देख सकते हो, कितने बंदे अलाइव हैं, वहां पर आपको ऐसे अपने फायर बटन को ऊपर ले जाना है, ठीक है। आपको उसी के ऊपर अपने फायर बटन को रख देना है एंड उसी के जस्ट नीचे एकदम सीधा स्ट्रेट आपको नीचे इसको ले जाना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में देनी है कि जो भी आपका बंदे अलाइव का आइकन है ना एंड आपका जो फायर वाला बटन है ना, वो उसी के जस्ट नीचे सीधा होना चाहिए। अब गाइस देखो इसमें आपको एक और चीज का ध्यान देना है, अगर आप अपने फायर बटन को ज्यादा ऊपर रख लेते हो तो आपको ऊपर ड्रैग करने के लिए
स्पेस नहीं मिल पाएगा, जिससे आपको ड्रैग हेडशॉट मारने में काफी सारी प्रॉब्लम आएंगी एंड आपका जो ड्रैग हेडशॉट है ना वो सही से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपके पास ड्रैग करने के लिए स्पेस नहीं रहेगा। तो आपको जो फायर वाला बटन है ना वो आपको नीचे ही रखना है। अगर आप अपने फायर वाले बटन को नीचे रखोगे तो इससे क्या कुछ होगा कि आपको ऊपर ड्रैग करने के लिए स्पेस मिल जाएगा, जिससे आप बंदों को इजीली ड्रैग या फिर वनटे मार सकते हो, बिकॉज आपके पास ऊपर प्रॉपर स्पेस है। तो ऐसे को इस तरीके से आप अपने फायर बटन की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो बस का यही इस वीडियो में, वीडियो को आप ध्यान से लाइक कर देना, बिकॉज एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो एक लाइक ध्यान से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।